नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में जानेंगे किसी भी मोबाइल में OTG कैसे ऑन करेंगे। मोर्फो, मंत्रा, कोई भी फिंगरप्रिंट काम करने के लिए आपको OTG ऑन करने की ज़रूरत होता है। तो वैसे में आप OTG कैसे ऑन करेंगे अपने मोबाइल में, आज के इस वीडियो में आपको हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। मोबाइल किसी भी कंपनी का हो, आप OTG आसानी से ऑन कर सकते हैं और अपने फिंगरप्रिंट डिवाइस जो भी यूज करते हैं उसको आप एक्टिव कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो निवेदन है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ लाइक डिसलाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका मोबाइल किसी भी कंपनी का हो तो OTG ऑन करने का सेटिंग आज जानेंगे। मोबाइल का किस सेटिंग में जाके आपको ऑन करना है, मैं कई सारे तरीके बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको बता दें, मोबाइल के सेटिंग ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप OTG ऑन कर सकते हैं, ऊपर में सर्च बार ऑप्शन होता है जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद कुछ इस तरह से कई सारे सेटिंग दिखेंगे, लेकिन आपको कौन सा सेटिंग में जाना है, आपको सर्च बार में सर्च करना है एडिशनल सेटिंग। यदि आपका फ़ोन में एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन नहीं होता है तो वहाँ पे भी कई सारे मोबाइल में एडिशनल सेटिंग में भी OTG ऑन करने का ऑप्शन होता है। यदि आपको एडिशनल सेटिंग में ना मिले तो OTG डायरेक्ट लिख के सर्च कर लीजिएगा तो आ जाएगा। जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, OTG कनेक्शन का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पे OTG ऑन करने का सिस्टम है और यहाँ से मैं OTG ऑन आसानी से कर सकता हूँ। लेकिन और भी तरीके बता रहा हूँ इसके अलावा। यदि आपका मोबाइल में डायरेक्ट OTG लिखने से ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है सिस्टम, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं सिस्टम सेटिंग। सिस्टम सेटिंग में क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी हमें OTG का ऑप्शन दिख रहा है। तो इन तरीकों से आप आसानी से किसी भी मोबाइल का OTG ऑन कर सकते हैं।